आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं भुवनेश्वरी, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। शहर के वार्ड नंबर 44 में गुरुवार को आर्थिक तंगी से जूझ रहे राज्य मंत्री के फांसी लगाकर खुदकुशी की खबर जिनके पास पहुंच रखी है, दुखद घटना पर शोक व्यक्त कर रखा है। घटना के पीछे ढाई माह से हुए लॉकडाउन की वजह बताई जा रही है। इस लॉकडाउन ने अच्छे अच्छों की कमर तोड़ दी है। उसी में मध्यम वर्ग के लोगों का भुखमरी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने पर मृतक के घर रोजाना कलह हो जाती थी। इसी आवेश में मृतक ने कदम उठाया है। इस घटना के बाद कई सामाजिक लोग दुख सांत्वना प्रकट करने के लिए मृतक के घर पहुंच रहे हैं। वही शुक्रवार को समाज सेवी धर्मेंद्र सिंह ने मृतक सच्चिदानंद शाह के घर पहुंचकर दुखद घटना पर परिजनों को ढांढस बंधाया और जिला अधिकारी एवं सारण के सांसद से मांग की मृत परिवारों को घटना होने पर मुआवजा जो दिया जाता है उसे मुहैया कराया जाए। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। हमारे रौजा के बस्ती में एक सच्चिदानंद जी का जो आर्थिक स्थिति या पारिवारिक में कमजोरी के कारण उन्होंने अपना आत्महत्या कर लिया, जो कि बहुत ही दुखद है। और ये जो हमारे भारत में भी कोरोना का महामारी जो चल रहा है, इससे हर एक इंसान परेशान है और हम लोग निरंतर इसमें कर रहे हैं। पर हमें बहुत अफसोस की बात है कि ये जो घटना हुई, इससे पूर्व अगर हमें किसी तरह की भी सूचना मिल गई रही थी किसी भी सज्जन से, तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं होने देते। पर अब जो घटना घट चुकी है, इसके लिए हम दुख व्यक्त करते हैं और साथ में हम सरकार से ये आग्रह और मांग करते हैं कि इनको स्थिति को देखते हुए जितना से ज्यादा मदद करे और जो भी आर्थिक फंड जो पीड़िता को दिया जाता है दुर्घटना होने पर वो दिया जाए। और इसके लिए हम यहाँ के माननीय जिला अधिकारी से भी आग्रह करते हैं कि उनकी समस्याओं को देखते हुए किया जाए। और हमारे जो सारण के प्रतिनिधि जो हमारे राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, बीजेपी के जो सांसद हैं, उनसे भी करते हैं कि आप राजनीतिक को छोड़कर एक आम इंसानियत के नाते इस परिवार पर ध्यान कर और इनको जल्द से जल्द मुआवजा कराया जाए, ताकि हद तक इस दर्द में इनका तकलीफ को हम लोग कम कर सके। और हम मेरा प्रयास रहेगा कि आगे जब भी आवश्यकता पड़ेगा बच्ची लोग को पढ़ाई में या किसी का एजुकेशन में, तो हम निरंतर इनका मदद करते रहेंगे।